ये हैं राज भाई, जिन्होंने एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजा फरधान रेलवे स्टेशन का। राज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे फरधान रेलवे स्टेशन पर दो रेक खड़े हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और एक मेन लाइन पर। दो रेक किस वजह से खड़े किए गए हैं कोई इस बारे में जानकारी नहीं है, जबकि मेन लाइन हमेशा खाली रखनी चाहिए, जैसा कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ, वहाँ पर भी मेन लाइन खाली नहीं रखी गई थी। और यहाँ पर अब देखिए गोमती नगर एक्सप्रेस फरधान रेलवे स्टेशन की तरफ जैसे कि चल रही है, तो बाद में जैसे फरधान रेलवे स्टेशन आता है तो इसको लूप लाइन यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजारा जाता है, तो धीमी रफ्तार से फिर ट्रेन गुजरती है। और अब चूँकि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर कोई भी रेक नहीं खड़ा है, सारे प्लेटफॉर्म और लूप लाइन खाली हैं, तो वहाँ पर भी ये रेक खड़ा किया जा सकता है जिससे कि मेन लाइन खाली रहे, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन में एकमात्र यही है गोमती नगर एक्सप्रेस जो यहाँ से नॉन स्टॉप होकर निकलती है। तो एक रेक को ले जाकर लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर देना चाहिए, और मुझे ये अंदाज़ा था, ऐसा अनुमान मुझे लग रहा था कि एक रेक शायद गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने एक वीडियो डाला था कि हर रेलवे स्टेशन पर एक रेक ही रेक खड़ा हुआ है लखनऊ मैलानी रूट पर, तो लखनऊ मैलानी रूट बन गया है पार्किंग रूट। तो इस पर वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर जो TSS है वो भी कंप्लीट हो गया है, आप देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मेन लाइन पर एक रेक खड़ा हुआ है और एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यानी कि लूप लाइन पर, तो दोनों ही रेक पर नाम नहीं लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर धीमी रफ्तार से हमारी ट्रेन गुजर रही है लूप लाइन से। इसके अलावा स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कर्मचारी हैं उनके लिए आवास भी बनाया जा रहा है, टावर कार के लिए शेड भी बनाया जा रहा है खड़ा करने के लिए, कभी किसी प्रकार की अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उस फॉल्ट को तुरंत उस टावर कार के ज़रिए जाकर सही किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, गोमती नगर एक्सप्रेस लूप लाइन से गुजरती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक गई है, क्योंकि ट्रेन का टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इस वजह से ये मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाइम से भी पहुँच जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।